शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाजपा के महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी चलती रही। भाजपा ने जहां इसे सरकार के विरोध में प्रदर्शन को सफल बताया, तो वहीं सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं का ये कहना है कि कोरोना संकट में भाजपा केवल राजनीति कर रही है। भाजपा के महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी चलती रही। भाजपा ने जहां इसे सरकार के विरोध में प्रदर्शन को सफल बताया, तो वहीं सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं का ये कहना है कि कोरोना संकट में भी भाजपा केवल और केवल राजनीति कर रही है। इस बीच शहर में भाजपा कार्यकर्ता पुलिस के प्रति रोष जता रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके साथ प्रदर्शन के एक दिन पहले से ही अनुचित व्यवहार होता रहा। पुलिस उन्हें प्रदर्शन में शामिल होने के एवज में परेशानी भुगतने की हिदायत देती रही, यहां तक कि नोटिस भेजकर बार बार कानून का पाठ भी पढ़ाती रही। सदर जोन में कार्यकर्ताओं को सबसे अधिक परेशानी करने की शिकायत मिल रही है। पुलिस की ओर से नोटिस जारी कर ये कहा गया था कि सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत शहर में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन होगा तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने पुलिस की इस भूमिका को अलोकतांत्रिक तक कह दिया है। दक्षिण नागपुर के एक पदाधिकारी ने ये बताया कि पुलिस ने मौखिक तौर पर धमकाने का प्रयास भी किया। यहां तक कहा जा रहा है कि प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं की पुरानी चरित्र पृष्ठभूमि को देखते हुए बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। भाजपा के शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने कहा कि उन्हें भी प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने नोटिस जारी किया था। एक दिन पहले से ही ऐसे माहौल बनाया जा रहा था मानो कोई अपराध किया जा रहा हो। भाजपा ने कानून के दायरे में रहकर सरकार का निषेध करने की घोषणा की थी। नियम का पालन करते हुए किसी तरह का नारा लगाने के बजाय काली पट्टी लगाकर मूक प्रदर्शन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया गया। पुलिस ने 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता इस तरह के दबाव के सामने में नहीं झुकेंगे, ऐसा भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है। विपक्षी भूमिका में रहकर भाजपा ने इस तरह के दबाव का कई बार सामना भी किया है, ऐसा भी कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है। अब देखना यह होगा कि कोरोना वायरस के जनजागृति और उसके रोकथाम के लिए जिस प्रकार से लॉकडाउन जो किया जा रहा है, इस लॉकडाउन में सत्ता पक्ष और विरोधी इन्होंने एक दूसरे को समझते हुए अच्छा कामकाज करना चाहिए, ना कि ये समय राजनीति का है बल्कि देश सेवा के तौर पर ये काम सब पार्टियों ने मिलकर करना, यही समय की मांग है। दर्शकों, इस समय हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गिरीश व्यास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानना चाहेंगे। इस समय में हमारे साथ फोनों पे व्यास साहब, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ जी। गिरीश जी, ये बताए कि जिस तरह से भाजपा ने ये कहा है कि सरकार दबाव लाने का प्रयास कर रही है, महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन का ये जो मामला है उसके ऊपर में क्या कहना चाहोगे, क्या आपकी प्रतिक्रियाएं हैं? देखो, सरकार की कमजोरी जो है उसको उजागर करना ये विपक्ष का जिम्मेदार दायित्व है, और ये जिम्मेदारी जब हम पूर्ण कर रहे हैं तो हमने कहीं भी नियम न तोड़ते हुए चार जने या पांच जनों के ऊपर कहीं पर भी नहीं, सारे नियमों का पालन करते हुए हमने अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, जिसमें से हम ये बताना चाहते थे कि सरकार ये कोरोना संकट पर जिस प्रकार को हमको रोकने में ये कामयाब नहीं हुई है या असफल हो गई है, और ये अपयश लोगों के सामने आना चाहिए, इसकी कमियां आनी चाहिए, और ऐसा अगर हमने कुछ प्रयास किया है तो इस आंदोलन के माध्यम से सरकार की चेतना जागनी चाहिए और प्रभावी काम उन्होंने करना चाहिए, यही भावना हमारी थी। पर इसी के साथ साथ आपने जब ये टीवी पर देखा, हमको नोटिसेस भेजे, ऐसे अखबार में हमने पढ़ा, उसका तो हम यथायोग्य जवाब देंगे। पर मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना के लोगों ने इसी आंदोलन के विरोध में अपने अपने घरों से उन्होंने सरकार के समर्थन का आंदोलन किया, सरकार के समर्थन के कार्यक्रम उन्होंने इसी प्रकार से किए, घर से किए, रास्ते पर आकर किए, तो क्या सरकार उनको भी नोटिस दे रही है? नियम दोनों के लिए एक जैसे होने चाहिए। अगर हमको नोटिस देते तो हम राजकीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उसका योग्य जवाब देंगे।
पर यही अगर शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के नेताओं ने जो सरकार के कामों का अभिनंदन किया, पांच पांच जनों ने एकत्रित किया जिसके कैप्शन टीवी पर है, जिसका सारा लिखा हुआ टीवी पर है, तो हमने ये अगर किया है उन्होंने तो उन पर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं होगी तो हम इस सरकार के विरुद्ध में न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में इस बात को हम रखकर सरकार की इस दोगली नीति को उजागर करेंगे। गिरी जी, ये बताइए कि पुलिस की ओर से जो नोटिस जारी किया गया था उसमें ये कहा गया है कि सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत शहर में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में भाजपा के प्रदर्शन में किसी भी तरह से कोई भी उल्लंघन होगा तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग की आपने बात कही है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया है और इस पालन के अंदर हम कहीं कमी नहीं रहे, हम उसको योग्य पद्धति से न्यायालय के सामने रखेंगे। पुलिस हमसे जो जानकारी मांगेंगी वो देना हमारा काम है, हम राजकीय और एक जिम्मेदार राजकीय पार्टी के कार्यकर्ता है, हम निश्चित रूप से उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। पर मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों का क्या है जो लोग सरकार के समर्थन में और आंदोलन के विरोध में प्रति आंदोलन कर रहे हैं, उनके प्रति सरकार और प्रशासन की क्या नीति है, ये मैं अधिकारियों से जानना चाहता हूँ, ये सरकार से जानना चाहता हूँ, और ये भी हम न्यायालय के सामने इस बात को लाकर रखने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। तो दर्शकों, आप थे हमारे साथ में जुड़ चुके भारतीय जनता पार्टी के विधायक गिरीश राज, जिन्होंने कहा है कि पुलिस ने 2000 से अधिक कार्यकर्ता को जो नोटिस जारी किया है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता इस तरह के दबाव के सामने में नहीं झुकेगा और महाराष्ट्र की बचाओ आंदोलन का जो मामला है उसमें और भी तेजी से बढ़ोतरी होंगी और महाराष्ट्र की ये जो सरकार है पूरी तरह से नाकामयाब सरकार है, ऐसा ही कुछ कहना भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गिरी जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगली बार हम आपको फिर किसी विषय को लेकर आपसे बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नागपुर से वीरेंद्र खोपरागढ़ के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।